नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। देश में प्रदेश में गैंग रेप और हत्या जैसे जघन्य घटनाओं को लेकर किया प्रदर्शन। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया गया। उसी के तहत गोंडा में भी बहुजन क्रांति मोर्चा एवं अन्य सहयोगी संगठनों ने गोंडा जिला पंचायत कार्यालय टीन सेट के नीचे प्रदर्शन किया। बहुजन क्रांति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पवन बौद्ध ने बताया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह से असफल है। प्रदेश में लूट, हत्या, गैंग रेप की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडा माफिया गरीबों पर कहर ढा रहे हैं। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं आंदोलन में देवी पाटन मंडल अध्यक्ष पवन बौद्ध, भारत मुक्ति मोर्चा से अजय कुमार भारती, युवा मोर्चा शत्रुघ्न भारती, भारतीय बेरोजगार मोर्चा से दुर्गा प्रसाद प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 से गोंडा ब्यूरो चीफ राजकरण अकेला की रिपोर्ट। सर, आपका क्या नाम है और ये जो आप लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं और प्रमुख मांगे आपकी क्या हैं? इसका किस किस उद्देश्य से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, ये चौथे चरण का कार्यक्रम है बहुजन क्रांति मोर्चा का जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भवन मेश्राम सर जी हैं उनके आह्वान पे किया गया है जी। और मांगे इनमें पूरे देश की है, एक व्यक्ति विशेष वर्ग की नहीं है जी। अभी हथरास में अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ अन्याय, अत्याचार और बलात्कार किया गया और बलरामपुर में और अभी सिकरी में, राजस्थान में और बिहार में ज्योति पासवान के साथ, यानी देश में कई घटनाएं हुई, एमपी में खरगोन में हुई। उसके साथ साथ में हमारी जो कंपनियां हैं, जो सरकारी संस्थाएं थी, बीएसएनएल में निजीकरण कर दिया गया, आपके रेलवे में निजीकरण कर दिया गया, आपके प्राइवेट में निजीकरण कर दिया गया, छटनी किया जा रहा और भी संविधान को छल्ली किया जा रहा, कुठाराघात किया जा रहा, ऐसी कई मांगे हैं जो कि निजीकरण बंद किया जाए। और साथ साथ में जो लड़कियों की, बहनों, बहुजन समाज की लड़कियों के साथ रेप, बलात्कार, हत्याएं जैसी घटनाएं घट रही हैं आए दिन, उसके हम विरोध कर रहे हैं। उन हत्यारों को फांसी दिए जाए और जो निजीकरण किया जा रहा है, जो नौकरियों को प्राइवेट के तहत बेचा जा रहा है कंपनियों को, हम इसका धिक्कार करते हैं। और अगर हमारी मांगे ऐसे नहीं की पूरी की जाएगी, चौथे चरण का जेल भरो आंदोलन है, आने वाले समय में माननीय मोहन मेश्राम साहब की अध्यक्षता में हम पूरे भारत को बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और संविधान के दायरे में रह के करेंगे, अन्यथा हम संविधान को मानने वाले हैं। हम फूले और ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और ये जो सरकार तानाशाही रवैया कर रही है, जो ईवीएम के घोटाले से चुनी हुई है, ये जो तानाशाही कर रही है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। अभी बिहार का रिजल्ट आप देख रहे हो कि मुद्दा मुर्दाबाद और काले झंडे दिखा रही है। ये उग्र आंदोलन हो रहा है, पूरे जनता का, बहुजन क्रांति मोर्चा का समर्थन मिल रहा है और इन्ही मांगों के साथ हम इस आज आए हैं प्रांगण में, जिले के स्तर पर आए हैं जेल भरो आंदोलन के लिए। और पूरे देश के 550 जिलों में यह धरना हो रहा, ना कि गोंडा में हो रहा है जी, जी, जी। ये जो आप अभी प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं, क्या इसके लिए शासन से आपको आदेश मिला था? शासन को लगातार एडवाइज जारी होती है, बामसेफ के कार्यालय से, पूना से सूचना होती है और देश में फंडा राइट है हमारा 19 के तहत, हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार यहाँ कोई परमिशन नहीं, पर सूचना लगातार उनको दी जा रही है। क्योंकि ये नहीं होता, अभी हमारा 3 को हुआ था, हमारा 8 को हुआ, फिर 22 को हुआ, फिर उसके बाद में 15 को भी हुआ, 22 को भी निरस्त कर दिया गया, उत्तर प्रदेश बंद का था कार्यक्रम, अब ये 30 को हुआ। तो उसमें चरणबद्ध तरीके से आंदोलन घोषित किया जाता है, कितने तारीख को, इतने तारीख को हम करेंगे आंदोलन। तो सूचना ऑलरेडी पहले से ही है, एडवाइज पूरे भारत सरकार मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, समस्त देश के सचिवालय को दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री के जी जी। और जो सरकार ने, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जिला संयोजक हूँ जी, और सरकार की जो नीतियां हैं, 3 अध्यादेश जो पारित किए हैं, किसान हितैषी नहीं है जी। और आज भी देखिए, आए दिन आलू का दाम बढ़ रहा है जी, और ये भी पता चला है कि आलू डंप किया हुआ है जी, जी। प्याज है, आलू है और बाजार में और बवाई चल रही है, फिर उसके बाद में आज जो किसान के यहाँ धान तैयार हुआ है उसका कोई रेट नहीं है,
पूंजे हो 1100 रुपया 1030 रुपये में ले रहे हैं और सरकार अभी केंद्र अपना सरकारी केंद्र करे केंद्र नहीं खोल पाई है, अभी उसको बढ़ा रही है कि पूंजीपति लोग माल को डंप कर लें उसके बाद में वो खोलेंगे। ये रणनीतियां जो चल रही हैं ये सरकार के समकक्ष चल रही हैं, सरकार जान रही है ये करवा रही है, ये भाजपा सरकार करवा रही है जानबूझ। और 3 अध्यादेश जो पारित हुए ये इसके जो है सैंपल आ गया इसका यही है कि पूंजीपति कितना भी माल डंप कर ले सरकार उसे रोक नहीं सकती, यही अध्यादेश उन्होंने पारित किया है और यही चलने दे रहे हैं। इसीलिए आलू प्याज का दाम बढ़ रहा है और वो रोक नहीं लगा पा रहे हैं कि उस डंप को खुलवा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कानून पारित किया है। आने वाले कल में किसान मारा जाएगा और पूंजीपति अमीर से अमीर हो जाएगा, क्योंकि जब दुनिया में लॉकडाउन था, भारत देश में लॉकडाउन था, खाने को नहीं था, तब हमारे यहाँ अंबानी जी दुनिया के चौथे या तीसरे नंबर के अमीर हो गए थे। ये निशानियां हैं भारत देश की, ये भाजपा की, कि पूंजीपतियों को जो है बढ़ावा दे रही है। हम किसान मजदूर लोग हैं, किसान हैं, हम लोग बीज खरीदते हैं, 1 किलो धान खरीदते हैं 400 रुपये किलो, सरकार उसका रेट निर्धारित करती है और जब हमारा धान तैयार होता है तो मेरा धान जो है बिना भाव का बिक रहा है, 11 रुपये 10 रुपये में लगाया था, वो भी कहाँ बेचते हैं, क्या है परेशानी दुनिया भर का हो रहा है। सर ये जो आप विरोध प्रदर्शन आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं ये आप क्यों कर रहे हैं, आपकी प्रमुख मांगे क्या चीज है? सर आज जो बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे देश में पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम हो रहा है। मेरा नाम पवन कुमार बौद्ध है जी। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ जी। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी से जी। और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा जो संगठन है, सामाजिक संगठन है जी, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ जी। और जो है पूरी ताकत से समर्थन कर रहा हूँ, उनके विचारों को हम लोग मान रहे हैं और हम सहयोग कर रहे हैं जी। और हर संभव हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो समाज में अत्याचार SC ST OBC के ऊपर जो हो रहा है जी, वो अत्याचार सरकार के निगरानी में हो रहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ, विरोध प्रदर्शन करता हूँ और विरोध जाहिर करता हूँ। और सभी साथियों को मैं आए हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ।